कोरोना संकट काल में गरीब मजदूरों को राहत देने के लिए तमाम सामाजिक संगठन रात दिन जुटे हुए हैं। गरीबों को राशन किट मुहैया कराई जा रही है, दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं और कुछ लोग मास्क, सैनिटाइजर और तमाम चीजें जिससे उन्हें राहत मिल सके सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन इसमें इन सामग्रियों को देने के साथ साथ फोटो सेशन भी किया जाता है, जिसके आधार पर तमाम अखबारों में उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें इस राहत कार्य के साथ व्याख्यान के साथ छपती हैं, ताकि लोग जान सकें कि अमुक आदमी ने किसको कितनी राहत दी है। ये काम लगातार हो रहा है जब से कोरोना वायरस देश में आया है। इस संकट काल में जो भी लोग गरीबों की राहत के लिए आगे आए हैं वो निश्चित ही काबिले तारीफ है। लेकिन इन सब में सबसे अलग कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम सीक्रेट कोरोना योद्धा कह सकते हैं। यह सीक्रेट कोरोना योद्धा रात के अंधेरे में नगर में निकलते हैं और जगह जगह ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी व अन्य ऐसी जगह जहां पर जरा सा भी कोरोना वायरस का डर होता है वहां पर राहत देने का काम करते हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे ही शख्स का जिक्र कर रहे हैं जो रात के अंधेरों में निकलता है और कई घंटे लगातार जगह जगह सैनिटाइज करने के बाद वापस अपने घर चला जाता है। इस सीक्रेट कोरोना योद्धा का नाम है ऋतु दमन सिंह। यह पेशे से फार्मेसिस्ट है और जिले के बयागीपुर के पास रहते हैं। जब से कोरोना देश में आया है तब से यह लगातार अपने पैसों से सैनिटाइजर खरीदते हैं, अपने ही पैसे से सैनिटाइज करने की मशीन ली है और ये लगातार 6 से 7 घंटे घूम घूम कर बिना किसी प्रचार के जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। या किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, ना ही इनको ललक है किसी अखबार में छपने की या फिर किसी टीवी में दिखने की। लेकिन नाउ 44 की टीम ने ऐसे ही कोरोना योद्धा जो पूरी तरह से अदृश्य हैं, लोगों और समाज के लिए एक बेहतर काम कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की है। हमारा लक्ष्य है कि ऐसे सीक्रेट कोरोना योद्धा की तस्वीरें जनता के सामने लाई जाएं, ताकि लोग सीखें कि जब देश पूरी तरह से संकट से जूझ रहा हो उस वक्त नाम नहीं सिर्फ काम ध्यान में रहना चाहिए। और ये समझना भी जरूरी है कि अपने लिए किए गए राहत कार्यों को पब्लिश किए बिना कैसे लोगों की मदद की जाती है। आज 944 न्यूज चैनल ऐसे सभी सीक्रेट कोरोना योद्धा को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि ये न्यूज देखकर लोग जागृत होंगे और समाज में राहत का जो काम है वह और भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। सुल्तानपुर से 944 के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।